नवगढ़ पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि पोड़ी गांव में दो आदमी कच्ची महुआ शराब बेचने के फिराक में सड़क पर खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर नवगढ़ पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। आरोपी राजेश कुमार साहू के कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। वहीं आरोपी लक्ष्य राम कश्यप के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। ग्राइंड भारत टीवी के लिए जांजगीर चांपा से केशव सोनी की रिपोर्ट। कल मुखबिर से सूचना मिला था कि पौड़ी में दो अलग अलग व्यक्ति शराब बेचने के लिए पैदल घूम रहे हैं, जिस पर यहां से टीम बनाकर रवाना किया गया था और उक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर रेड कार्रवाई किया गया, जिस पर पहला आरोपी है राजेश कुमार साहू, पिता देव प्रसाद साहू, जिसके कब्जे से 15 लीटर देसी महुआ शराब, और दूसरा आरोपी है लक्ष्य राम कश्यप, जिसके पास से महुआ शराब 10 लीटर जब्त किया गया है और आरोपियों को आज दिनांक को रिमांड पर भेजा गया है।